राजस्थान में 9 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत और राज्य में पार्टी के युवा चेहरे सचिन पायलट के बीच शुरू हुआ टकराव अभी थमा नहीं है। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद पार्टी ने सचिन को उप मुख्यमंत्री का पद दिया था। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच टकराव छिड़ गई और आज भी दोनों नेताओं के बीच तल्खियां कम नहीं हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की झलक राजस्थान के कांग्रेस मुख्यालय में दिखी। दरअसल पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम था। इसमें पायलट ने गहलोत पर खूब तंज कसे। गहलोत ने अपने संबोधन में जहां खुद को वरिष्ठ राजीव गांधी के निकट दिखाने का प्रयास किया, वहीं पायलट ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो राजीव गांधी ने हमारी बात मानते हुए तत्काल मदद दी थी। वहीं इसके बाद जब सचिन पायलट को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से राजीव गांधी ने आपकी बात मानी थी, उसी तरह से आप भी विधायकों की बात मानिए, कार्यकर्ता और विधायकों की भी बात सुनिए। जब विधायक आपके पास काम लेकर जाए तो आप डीपीआर बनाने की बात नहीं कहकर तुरंत उसकी घोषणा कर दिया करिए। राजीव गांधी का हवाला देते हुए पायलट ने इशारों में कहा, हमें पार्टी को दलालों से दूर रखना चाहिए। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजस्थान कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं। एक गुट सचिन पायलट के समर्थकों का है तो दूसरा अशोक गहलोत के समर्थकों का। अभी तक राजस्थान कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है, जिसे पार्टी की कमजोरी के तौर पर भी देखा जाता है। न्यूज डेस्क।